Now, welcome students. We are going to learn about data augmentation. अभी मेथड डेटा का हैंडलिंग जब देख रहे थे हम, तो हमने पहला जो सिनेरियो कवर किया था वो है डेटा विजुअलाइजेशन, मतलब हम डेटा को कैसे विजुअलाइज कर रहे थे। कभी ऐसा भी होता है हमारे पास कि डेटा बहुत कम होता है। जब बहुत कम होता है डेटा तो हम मशीन को ज्यादा ट्रेन नहीं कर सकते हैं। जैसे मेरे पास सिर्फ एक ही एप्पल है और मैं अगर किसी किड को वो एप्पल दिखाऊं कि इस तरह का होता है एप्पल, अब चाहे वो एप्पल छोटा हो बड़ा हो, उस तरह का डेटा मेरे पास नहीं था, तब उस केस में सिर्फ किड ये इमेजिन कर सकता है कि जब एप्पल का साइज इतना होगा तभी वो एप्पल है, अदरवाइज वो एप्पल नहीं है, राइट। तो मशीन को भी ट्रेन करने के लिए हमको जो इनसफिशियंट डेटा होता है तो हमारा मॉडल अच्छी तरह से वर्क नहीं करता है। तो अब से सपोज हमें अपने मशीन को ट्रेन करना है विथ लेस डेटा, इफ यू हैव लेस डेटा एंड यू हैव टू ट्रेन मशीन, उस केस में हम डेटा ऑगमेंट करते हैं। ऑगमेंट करते हैं मतलब हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल डेटा जनरेट करते हैं या सिंथेटिक डेटा जनरेट करते हैं जिससे कि हम अपने डेटा को बढ़ा देते हैं, राइट। तो आप डेटा को ओवरफिटिंग, अब हम ये समझेंगे ओवरफिटिंग क्या होती है, पर हम अपने डेटा को ओवरफिटिंग से भी बचाते हैं इस केस में, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद डेटा ऑगमेंटेशन, जिसमें हम तीन तरह के डेटा को ऑगमेंट करेंगे। तीन तरह का डेटा कौन कौन से हो सकते हैं? एक ऑडियो डेटा हो सकता है, एक टेक्स्ट डेटा हो सकता है, एक इमेज डेटा हो सकता है। लेट्स फर्स्ट हमारा ऑडियो डेटा। तो ऑडियो डेटा को आप कैसे ऑगमेंट करेंगे? आपके पास एक म्यूजिक पीस है, राइट। आप म्यूजिक पीस को किस तरह से ऑगमेंट कर सकते हो? आप ऑगमेंट किसी भी उसमें नॉइज डाल दीजिए थोड़ी सी, राइट। तो अगर आपके पास एक सॉन्ग है, आप उस सॉन्ग को पहले तो तोड़ सकते हो, है ना, आपने उसकी, और ये भी कर सकते हो आप किसी सॉन्ग की स्पीड भी चेंज कर सकते हो, राइट। आपने उसकी पिच हाई कर दी, स्पीड चेंज कर दिया, उसमें थोड़ा सा नॉइज डाल दिया, तो आपके पास कितने डेटा हो गए? एक सॉन्ग जो एक एक्चुअल सॉन्ग है उसमें आपने नॉइज डाल दिया, ये दूसरा हो गया, उसमें आपने स्पीड चेंज कर दी, तीसरा सॉन्ग हो गया, उसकी पिच हाई कर दी, आपके पास फोर्थ सॉन्ग हो गया, राइट। उसी तरह से आप और भी ऑडियो में एक लेफ्ट पॉज, एक राइट पॉज, इस तरह से, मतलब जब आपका ऑडियो शुरू हो रहा है तब वहां पर एक पॉज डाल दीजिए, राइट। आप एक बिल्कुल एंड जब हो रहा है तब आपने एक पॉज डाल दिया। तो इस तरह से आपने डेटा को या अपने ऑडियो को थोड़ा सा बढ़ा लिया, इससे आपके पास अब जो ट्रेनिंग डेटा है वो थोड़ा बढ़ गया। ऑलराइट, नाउ लेट्स कम टू टेक्स्ट ऑगमेंटेशन। टेक्स्ट ऑगमेंटेशन में इट्स वेरी इजी कि आपके पास जो सेंटेंस है वो सेंटेंस में अगर दिया पूरा दिया हुआ है, वो कम है आपका सेंटेंस, तो आप उसको बीच से ब्रेक कर दीजिए, ठीक है। आप या वर्ड और सेंटेंस में शफलिंग कर दीजिए, से सपोज आपका कुछ वर्ड है आप उसमें शफलिंग कर देंगे तो एक नया सेंटेंस तैयार हो जाएगा। बाय लगा देते हैं, जैसे अपन एक्टिव का पैसिव कर देते हैं या पैसिव का एक्टिव वॉइस कर देते हैं, तो आप यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग बट यू आर जस्ट शफलिंग दोज वर्ड्स, वर्ड को रिप्लेस कर देते हो उसके सिनोनिम से। से सपोज इफ यू आर सेइंग सम वर्ड विच इज जिसका और भी सिनोनिम्स मिल सकते हैं, राइट। हाइट को आप टॉल भी लिख सकते हो, उस तरह से मिलते हुए वर्ड्स अगर आप कर लोगे उसको रिप्लेस, तो आपके पास एक नया सेंटेंस तैयार हो जाएगा। आप एक सेम वर्ड को से सेंटेंस को रिफ्रेस कर दीजिए, फिर से सेंटेंस को कुछ नॉर्मल वर्ड्स को लेकर के फिर से रिफ्रेस करेंगे तो एक नया सेंटेंस तैयार हो जाएगा। आप रैंडम वर्ड इंसर्ट कर सकते हो, द आपने बार बार डाल दिया, एट आपने बार बार डाल दिया, इन डाल दिया, कोई भी प्रपोजिशन जो बहुत ज्यादा आपके सेंटेंस का मीनिंग चेंज ना करे, उससे भी आपका एक नया सेंटेंस जनरेट हो जाएगा। और डिलीट भी कर सकते हैं आप कुछ वर्ड्स, कुछ जैसे द आप डिलीट करेंगे तो शायद सेंटेंस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, उसके मीनिंग में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स, ये सब अगर आप ओमिट करते हैं या एलिमिनेट करते हैं तो इट वॉन्ट चेंज मच, राइट। इसी तरह से आपने ऑडियो और टेक्स्ट जैसे देखा वैसे ही आप इमेज के लिए भी देख सकते हो। इमेज पे आपके पास कोई इमेज दी हुई है, सिर्फ शायद दो इमेज दी हुई है, उस केस में आप ट्रेन कैसे करोगे मशीन को? ऑलराइट, तो आप पैडिंग डाल देते हो। पैडिंग डाल देते हो मतलब इमेज के आजू बाजू या उसके आसपास आप खाली स्पेस दे देते हैं, तो आपकी जो इमेज होती है वो पैडेड हो जाती है। ऑलराइट, उसी तरह से आप रैंडमली रोटेट कर सकते हो अपने इमेज को, है ना। आपको फ्लावर का इमेज दिया हुआ है, आप उसको रैंडम 60 डिग्री 40 डिग्री ऐसे रैंडम कुछ एंगल्स में रोटेट कर लेंगे तो आपके पास नई इमेज आ जाएगी। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फ्लिपिंग कर देंगे आप, ऊपर से नीचे यानी साइड से आप फ्लिप कर दोगे तो आपको एक नई इमेज मिल जाएगी। ट्रांसलेट कर सकते हैं, अगर एक जगह पर है, राइट, आपके राइट में है, आप उसको ट्रांसलेट करके लेफ्ट में लेकर आ जाएंगे तो आपको एक फिर से इमेज मिल गई, एक नया फ्रेम मिल गया,
तो आपके पास जो एक पिक्चर थी उस पिक्चर में आपने कुछ ट्रांसलेशन, रोटेशन, फ्लिपिंग, पैडिंग ये डाल के, और क्रॉप भी कर देते हैं हम, है ना। क्रॉप करोगे आप तो आपका इमेज छोटा जरूर हो जाएगा, पर आपको इतना प्रोपोर्शन ट्रेन करने के लिए मिल जाएगा कि ये एक एक पार्ट है ना। तो आप उससे भी कर सकते हैं, जूम कर दीजिए, जूम इन जूम आउट इमेज को कर देंगे आप तो भी आपकी इमेज बढ़ जाएगी। उसकी कलर्स को डार्क कर सकते हैं, ब्राइट कर सकते हैं, है ना। और इवन थोड़ा सा आप कलर मॉडिफिकेशन कर दो, अगर आपका कोई इमेज है अगर वो व्हाइट कलर का है, उसका बैकग्राउंड आपने अगर ग्रे कलर का कर दिया है तो इमेज तो चेंज नहीं होगा। सो इट विल बी, बट यू नो यू विल गेट अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इमेज जो आपके ट्रेनिंग में आसानी हो जाएगी। ग्रे स्केलिंग कर देते हैं हम, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दीजिए या कम कर दीजिए, उसमें नॉइज डाल दीजिए, रैंडमली कुछ पिक्सल्स आप रिमूव कर दीजिए, इरेज कर दीजिए, तो भी आपकी एक इमेज नई बन जाएगी। तो दिस इज ऑल्सो वॉट वी कॉल एज इमेज ऑगमेंटेशन। नाउ लेट्स मूव टू बेनिफिट्स। कैसे बेनिफिट्स बेनिफिशियल होता है? अगर आपके पास बहुत सारा डेटा होता है तो आपको उसको हैंडल करना होता है, आपको रखना होता है, एक्सेस करना होता है, जिससे कॉस्ट भी बढ़ती है। तो अगर आप थोड़ा सा डेटा रखें और उसको उसी इमेज को ऑगमेंट करते जाएं या उसी डेटा को ऑगमेंट करते जाएं तो आपकी कॉस्ट कम हो जाती है, एक्यूरेसी भी बढ़ाता है डेटा ऑगमेंटेशन, क्योंकि आप एक ही इमेज में से थोड़े थोड़े वेरिएशन दे रहे हो, है ना। तो एक्यूरेसी बढ़ती चली जाएगी आप ऑगमेंटेशन करोगे। ओवर फिटिंग, ये एक नया वर्ड है, आप ओवर फिटिंग का मतलब इस तरह से समझ सकते हो कि आप एक ही डेटा पॉइंट से, आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो गई लेकिन टेस्टिंग खराब हो गई है, इसको ओवर फिटिंग कहेंगे हम। कैसे, अगर मैं एक ही बार इमेज दिखाऊं एप्पल का एक किड को, तो उसको ये तो समझ में आ गया कि एप्पल ऐसा दिखता है, लेकिन जब मैं दूसरा एप्पल दिखा रही हूँ किड को तो द किड इज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज इट, है ना। तो ये हो जाता है ओवर फिटिंग। ओवर फिटिंग में ट्रेनिंग में आपका मॉडल ने बहुत 100% रिजल्ट दिए, लेकिन टेस्टिंग के वक्त आपके मॉडल ने उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दिए। राइट, तो अगर हम डेटा ऑगमेंटेशन यूज करेंगे तो हमारी ट्रेनिंग भी थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि हमारे पास इमेजेस या हमारे पास डेटा थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। इम्प्रूव जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन भी बढ़ जाता है आपका, कि एक ही तरह से हम जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं डेटा को। सो विद दिस वी आर डन विद डेटा ऑगमेंटेशन। थैंक यू।